नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर में भारी बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से कई घर बाढ़ में डूब गए हैं, वहीं किसानों के फसल भी बर्बाद हो गए हैं। देखिए, समस्तीपुर जिले में भारी बारिश से आफत और बागमती कोशी नदी का लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सारी नदियां पानी से घिर गई है। लोगों का घर जटमलपुर में बाढ़ का पानी आने से लगभग 5 से 10 हजार परिवारों का घर पानी में डूब गया है। जल जमाव के कारण बीमारी का भी खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, वही पशु के खाने के घास तो डूब गए है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से नाव की व्यवस्था भी नहीं कराई गई है। प्रशासन दावे कर रहे हैं जो हमारे द्वारा सारे बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाई जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई देखने तक और पूछने तक नहीं आता। लोगों का कहना है कि विधायक मुखिया कोई भी हम लोगों को हेल्प करने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। पशु के चारा के लिए लोग पानी में जाकर घास काटते हैं। मौके पर लोजपा अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज ने बताया कि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, खाने पीने में तकलीफ हो रही है। हमने सांसद प्रिंस राज से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी लोगों को हर संभव मदद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। जटमलपुर बाढ़ प्रभावित इलाके में आया हूं, जो बहुत सारे आप देख सकते हैं जो बाढ़ प्रभावित से जो है सो फसल बर्बाद हो चुका है। और इस वक्त जो है सो हमारे लोजपा के जिला अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी निरीक्षण के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से पूछने के लिए और समझने के लिए आए हैं क्या क्या परेशानी है, उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। हाँ बताइए, क्या ये बाढ़ प्रभावित इलाका जो है यहाँ कितना लोग प्रभावित हैं, क्या क्या परेशानी लोगों को है? यहाँ से 8 से 10 घर लोग ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है, जो 15 से 20 दिन से प्रभावित है। इन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ना खाने की ठिकाना है, ना मवेशी को देख लीजिए जानवर का खाना नहीं है, ना खुद से लोग का क्षति इतना ग्रस्त हो गया है। धान की खेती किए हुए थे, साग सब्जी किए हुए थे, जो सारा इन लोग का नष्ट हो गया है, लोग बर्बाद हो गए हैं। और यहाँ सरकार के द्वारा क्या क्या मुहैया कराई गई है? यहाँ सरकार के द्वारा अभी फिलहाल तो कोई मुहैया नहीं कराई गई है, लेकिन लग रहा है कि मुहैया कराई जाएगी इन लोगों को। जो लोगों से बात करना चाहूँगा, यहाँ जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे बात करना चाहूँगा, जो इन लोगों को कुछ क्या क्या परेशानी और हो रही है और इनका फसल कितना बर्बाद हो चुका है, ये भी जानना चाहता हूँ इनसे। बताइए आप। हाँ, धान पर हम लोग को जा गया है, जैसे यहाँ दिक्कत बहुत दिक्कत है, परेशानी बढ़ गया है, माल जाल यहाँ मवेशी वाला दिक्कत हो रहा है। हम लोग जाएंगे बांध पे बता देना चाहिए। वो सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, कुछ नहीं किया है, कुछ अभी नहीं किया सरकार द्वारा। तो आपने सुना, अभी सरकार के द्वारा जो है कोई चीज़ मुहैया नहीं किया गया है, ना यहाँ के विधायक और कोई भी प्रतिनिधि मुखिया द्वारा कोई यहाँ के लोगों से पूछने तक भी नहीं आए हैं। तो क्या क्या परेशानी है, लोग यहाँ त्रस्त हैं, बच्चे बूढ़े जो भी है सब परेशान हैं। अभी तक हमारे पंचायत में न विधायक जी जो महेश्वर हजारी हैं, एक बार हमारे पंचायत से यहाँ से वोट लेके जनता को गुमराह करके चले गए, केंद्र में मन गए मंत्री, वो अभी तक हमारे लोगों के पास दोबारा लौट के नहीं आए। और हम लोग बाढ़ क्षेत्र में हैं, कोरोना से महामारी से मरिए रहे थे और बाढ़ से मर रहे हैं, और बारिश हो रहा है, कुछ भी नहीं सरकार की तरफ से हम लोगों को मिल रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, न कुछ मिला है, न कोई सुविधा है, कुछ भी नहीं है। अभी तक नाव का भी सुविधा नहीं है सरकार द्वारा, कुछ भी नाव का व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कोई प्रतिनिधि विधायक या कोई आए हैं मिलने मुखिया? कोई भी नहीं आया अभी तक, किसी की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं की गई है? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो आपने सुना, इन लोगों की बहुत सारी समस्या है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो पशु हैं, सारे पशु है टापू पे हैं, और इतने महिलाएं लोग हैं, घर है, पूरा बाढ़ प्रभावित जगह पे हैं।